यमुनानगर के महाराणा प्रताप चौक पर मैं इस समय पहुंच चुकी हूं और मैं आपको बताना चाहूंगी अभी ट्रैफिक SHO की पूरी टीम की ओर से एक स्कूल बस का चालान किया गया है और एक हरियाणा रोडवेज बस का चालान किया गया है। स्कूल बस का चालान पता चल रहा है कि उसमें स्कूल की छात्राएं थी लेकिन कोई भी ऐसी लेडीज कंडक्टर नहीं थी। अगर इन बिटवीन बच्चों के साथ किसी तरह का कुछ हो जाता है जिस तरह से वो लड़कियां हैं तो मतलब इसकी जो जिम्मेवारी है जो लापरवाही है वो किसकी जाएगी। तो आप देख आप देख सकते हैं मौके पर ट्रैफिक SHO रामपाल भी यहां पर है। मैं जान लेती हूं कि पुलिस एक बार फिर से यमुनानगर के अंदर बसों के लिए खासकर अब जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। यमुनानगर के हर चौक से जहां से भी चाहे कोई स्कूल बस है कोई भी बस अगर निकलती है तो उसकी जो है उस बस को जो है चेक किया जाता है। रामपाल जी एक बार हमारे साथ जुड़े हैं। रामपाल जी पता चल रहा है एक स्कूल बस को रोक उसका चालान किया गया एक रोडवेज का, क्या कमियां थी उनके अंदर? जो स्कूल बस है वो उसमें लड़कियाँ बैठी है और प्रॉपर उसने ना लेडीज उसके अंदर कंडक्टर है, प्रॉपर तरीके से ड्राइवर ने वर्दी नहीं डाल रखी ना नेम प्लेट लगा रखी, लापरवाही का नतीजा ये जी। स्कूल के बच्चों के प्रति कोई लापरवाही जी, कहने को तो स्कूल बस है लेकिन जो स्कूल वाले हैं वही ट्रैफिक नियमों की जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं जी। मैडम जी क्या कार्रवाई की है इसमें? मैंने इसके खिलाफ चालान किया है। कितने का चालान हुआ है? इसका जो ट्रैफिक के अनुसार होता है जिसका चालान था उसका चालान कर दिया। स्टूडेंट्स कितने थी करीब? 15 से 20 स्टूडेंट बच्चे थे। पता लगा कौन से स्कूल की बस थी? नहीं ये तो अभी हमने इन्वे नहीं कर सकते हम। एक हरियाणा रोडवेज बस का किया गया? हरियाणा रोडवेज की जो है प्रॉपर रोंग पार्किंग से रोंग साइड से चलता रहा था, उसको मना करने से के बाद भी वो नहीं माना, उन्हें लापरवाही कर दिया और कम से कम सवारी थी उसके 50 सवारी थी उसके अंदर जिसका हमने उसका भी चालान किया। कितने का चालान किया गया? उसका ट्रैफिक नियम के अनुसार चालान किया। रॉन्ग साइड से आने की वजह से किया गया जी? और तो कोई कमी नहीं जी मैम। कुछ कहना चाहोगे यमुनानगर वालों को? यही कहता हूँ भाई अपना प्रॉपर रॉन्ग साइड ना चले, प्रॉपर तरीके से चले और जो सीट बेल्ट का प्रयोग करे, रेड लाइट जंप ना करे भाई, ट्रैफिक नियमों को पालना ज्यादा से ज्यादा पालन जी जी जी। तो दोस्तों ट्रैफिक नियम आप लोगों की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ट्रैफिक नियमों की पालना करें ना कि उल्लंघना। यमुनानगर का ट्रैफिक SHO आज एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहा है और तस्वीरें मैं आपको यमुनानगर के महाराणा प्रताप चौक से दिखा रही हूँ। पता चल रहा है कि अभी एक स्कूल बस का चालान किया गया जिसके अंदर स्कूल की स्टूडेंट्स बैठी हुई थी और जो है ना तो कोई लेडीज कंडक्टर थी और जो मतलब जो ड्राइवर था उसने ना तो कोई यूनिफॉर्म पहनी हुई थी ना सीट बेल्ट लगाई हुई थी, बहुत सारी कमियां ऐसी पाई गई। तो इसी के चलते रामपाल जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। रामपाल जी से मैं बातचीत कर लेती हूँ कि आज एक स्कूल बस का रोडवेज बस का चालान किया गया है और खासकर यमुनानगर में जो बुलेट चलाने वाले हैं वो यमुनानगर वालों की नाक में बहुत ज़्यादा दम करते नजर आ रहे हैं। एक बार जानकारी ले लेते हैं क्या कुछ कार्रवाई चल रही है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पता चल रहा है कि हरियाणा रोडवेज बस का स्कूल बस का चालान किया गया है, कमियां क्या पाई गई हैं उसके अंदर? कमियां तो जो मैंने अभी आपको बताया था कमियां यही है कभी जो एक रोंग साइड आ रहे हैं या फिर प्रॉपर लेडीज उसके अंदर कंडक्टर नहीं है और प्रॉपर जो बुलटों का है, बुलटों को जो आवारा किस्म के बच्चे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है तो इसलिए हम बुलटों के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे SP साहब ने सख्त आदेश दिए हैं भाई किसी प्रकार की कोई लापरवाही या कोई डेंजर ड्राइविंग के प्रति ऐसा ना करें और हम जिनके बुलटों के ज़्यादा से ज़्यादा चालान करेंगे। रामपाल जी जिनके बच्चों के पास बुलेट है जो बच्चे नहीं मान रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, लोगों की नाक में दम कर रहे हैं हॉर्न या सायरन बजाकर, उनके पेरेंट्स से कुछ अपील करना चाहोगे आप? शायद पेरेंट्स ही मान लें आपकी बात को। मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा भाई अपने
जब तक बच्चा आपका 18 साल से ऊपर नहीं होता तब तक उसको बाइक ना दें। जी जी, बहुत ही बच्चे आपके लापरवाही कर रहे हैं, इनको बुलेट वगैरह कोई हैवी व्हीकल ना दें चलाने। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी आपका। यमुनानगर के अंदर जो जो पेरेंट्स जिनके बच्चों के पास बुलेट है, प्लीज आप लोग मेरी इस खबर को अगर देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी, पुलिस लगातार बुलेट चलाने वालों के लिए भी एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि जब भी कहीं से भी बुलेट गुजरती है, बुलेट बाइक गुजरती है, तो वो जिस तरह से पटाखे बजाते हैं या जिस तरह से होटर या सायरन बजाते हैं, उससे आम लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। तो पुलिस का साफ साफ कहना है, ट्रैफिक एसएचओ का कहना है कि आने वाले समय में जब जब जहां जहां भी कोई बुलेट चलाने वाला इस तरह के ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करता पाया जाएगा, उनके खिलाफ भी एक बड़ी कार्यवाही जो अमल में लाई जाएगी, चालान काटा जाएगा, और उसके बाद चालान जब काटा जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी वो लोग खुद जो है उनके ऊपर आएगी। तो दोस्तों, आज हरियाणा रोडवेज और स्कूल बस का चालान किया गया है, तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। यमुनानगर का पुलिस जो है लगातार ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से अपील है, जब जब आप लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ट्रैफिक नियमों की पालना करें, ना कि उल्लंघना, क्योंकि आने वाले समय में चालान अगर आप लोगों का होगा तो उसकी जिम्मेवारी आपके खुद के सर आएगी, पुलिस इसमें कसूरवार नहीं होगी। तो प्लीज़ मेरी आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के महाराणा प्रताप चौक से मंदीप पर की रिपोर्ट।